पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्फ काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपने विलेज में आते हुए देख लेता है और अब ये मॉन्स्टर उस एल्फ पर हमला कर देता है और वो एल्फ मर जाता है। तभी वहाँ पर एक और एल्फ आता है एंड वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुका होता है। तभी वो लड़का उन मॉन्स्टर्स की ओर देख कर कहता है, क्या हो तुम लोग, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उन मॉन्स्टर्स ने काफी सारे एल्फ को मार दिया होता है। तभी वहाँ पर दो और एल्फ आते हैं कि ये सब कैसे हुआ एंड वो दोनों देखते हैं कि एक बंदा घायल पड़ा हुआ है, तो वो उसे उठाकर पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। तब वो एल्फ बोलता है कि मॉन्स्टर्स की भीड़, और इतना बोलकर ही वो मर जाता है। एंड ये एल्फ बोलता है कि हमें इसके बारे में चीफ को बताना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्रिस्टीना और डोलन दो बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और सेलिना बस डोलन को ही देखे जा रही थी और उस आदमी ने उसे एकेडमी ज्वाइन करने की बात करी थी वो सब सोचे जा रही थी और वो काफ़ी उदास दिख रही थी एंड सोच रही थी कि क्या डोलन मुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा। एंड तभी कुछ बच्चे उसकी पूछ पर खेलने लग जाते हैं और वो भी उन्हें देखकर डांटने लग जाती है और उनके पीछे भागने लग जाती है। और उसे देखकर डोलन सोच रहा होता है कि सेलिना काफ़ी जल्दी इस विलेज का पार्ट बन चुकी है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आकर कहती है कि मैं फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। डोलन पूछता है, फॉरेस्ट में क्यों? तब वो कहती है कि मैंने सुना है वहाँ पर काफ़ी अलग अलग प्रकार के एनिमल है, मैं वहाँ पर जाकर अपनी एबिलिटी टेस्ट करना चाहती हूँ। डोलन कहता है कि फॉरेस्ट काफ़ी खतरनाक है, वहाँ पर बिना किसी रीज़न के जाना सेफ नहीं होगा। तब क्रिस्टीना बोलती है कि मेरे पास रीज़न है ना, एल्बर्ट कह रहा था कि उसके पिक्स को चराने के लिए वही जगह काफ़ी अच्छी है, उसे वहाँ पर काफ़ी सारे प्लान्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मैं एक तरीके से विलेजर्स की मदद ही कर रही हूँ। तो इतना सब सुनने के बाद डोलन को मानना ही पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये सभी लोग बालन और दो गार्ड्स के साथ फॉरेस्ट में जाने लगते हैं और वहाँ की फ्रेश हवा से क्रिस्टीना और सेलिना दोनों को ही काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तभी बालन कहता है कि हम दूसरी ओर जा रहे हैं एंड वो गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, सो अलर्ट रहना। फिर उसका एक पिग दूसरी ओर चला जाता है तो एक गार्ड उसके पीछे चला जाता है। फिर जब वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा होता है तभी वो पिग ऊपर से आता है, लाइक उसे किसी ने फेंक दिया हो उस तरीके से, एंड उसके ऊपर नाखून के निशान होते हैं। और तभी वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक ब्लेडेड टाइगर आ जाता है और जैसे ही वो उस गार्ड पर हमला करने वाला था तभी बालन आकर उसे अपने वेपन से मार देता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर वाला मॉन्स्टर आकर बालन पर हमला कर देता है एंड यहाँ पर इन लोगों को भी बालन की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है तो वो लोग भी भाग कर यहाँ पर आ जाते हैं। बालन कहता है तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी वो मॉन्स्टर फिर से उस पर हमला करने वाला था लेकिन डोलन अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। क्रिस्टीना पूछती है कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। डोलन कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये डिमोनिक रेल्म से आया हुआ एक डीमन है। ये तो लो रैंक का डीमन है और इसे जेट्स कहते हैं। लो रैंक होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्रिस्टीना पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। तब डोलन कहता है कि मैंने इसके बारे में मागुरु की बुक में पढ़ा था। उसके बाद वो दोनों साथ मिलकर, मतलब कि डोलन अपने मैजिक से और क्रिस्टीना अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पर यानी कि जेट्स पर हमला कर देता है और उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर डोलन क्रिस्टीना से कहता है कि विलेजर्स को इस डीमन के बारे में कुछ भी मत बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी ये दादाजी वहाँ पर आते हैं और क्रिस्टीना पूछती है कि बालन की तबीयत अब कैसी है। तो दादाजी कहते हैं कि वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन मागुरु और मियो अभी उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ पर सब बात करने लग जाते हैं कि ब्लेडेड टाइगर तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक अननोन मॉन्स्टर भी देखा गया है। क्रिस्टीना दादाजी से पूछती है कि क्या वैसे मॉन्स्टर्स पहले भी यहाँ पर देखे गए हैं। तब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में तो मैंने पहली बार सुना है, और बालन तो यहाँ का सबसे ताकतवर कैप्टन है, अगर उसे ही कुछ हो सकता है तो। और इधर डोलन सोच रहा था कि यहाँ पर उस ब्लेडेड टाइगर को ही इतना सीरियस लिया जा रहा है, लेकिन वो डीमन तो उससे भी काफ़ी खतरनाक है। तभी वहाँ पर मागुरु भी आ जाती है और कहती है कि अब बालन ठीक है। वो कहती है कि बालन को उस ब्लेडेड टाइगर से चोट नहीं लगी है, उसे उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल से चोट लगी है और वो कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है। तभी डोलन पूछता है कि फॉरेस्ट में कुछ स्ट्रेंज हो रहा है।
अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। तभी मागुरु कहते हैं कि वो जो कोई भी हो हमें उसके साथ रहना सीखना होगा। डोलन कहता है लेकिन फिर भी मुझे फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने दीजिए। तभी मागुरु कहते हैं कि ठीक है लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। तभी सेलिना और क्रिस्टीना साथ में ही बोल देते हैं कि मैं जाऊंगी। तभी ये दादाजी कहते हैं तुम नहीं जा पाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो हम एकेडमी को क्या जवाब देंगे, ऊपर से हमने कमिश्नर गोरा को आपको सेफ रखने का प्रॉमिस किया है। तभी सेलिना बोलती है कि मैं डोलन के साथ जाऊंगी, मेरे पास कर्स आइस भी है और मैं मैजिक भी यूज कर सकती हूँ। डोलन क्या तुम्हें ये मंजूर है? तभी डोलन मागुरु को कहता है कि मैं और सेलिना फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे और वो सेलिना से कहता है कि ये हमारा विलेज है और हम इसके प्रॉब्लम्स खुद से ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये दादाजी कहते हैं कि अगर तुम सेफ वापस नहीं आ सकते तो यहाँ पर जाना कैंसिल कर दो। लेकिन डोलन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों वापस बिल्कुल सेफ लौटेंगे। फिर अगले दिन डोलन और सेलिना अपने सफर पर निकल जाते हैं एंड डोलन बोलता है काफी समय बाद हम दोनों ऐसे अकेले मिल रहे हैं नहीं। और ये सुनकर सेलिना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी एंड डोलन कहता है हमारे पास तो तुम्हारी कर्स्ड आइज भी है। फिर थोड़ी देर बाद डोलन को कुछ महसूस होता है एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो क्रिस्टीना होती है। वो कहती है कि आज का मौसम कितना साफ है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर टहलने आई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये तीनों उन डीमंस से लड़ रहे होते हैं और फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन क्रिस्टीना से कहता है कि एल्डर ने तो तुम्हें विलेज छोड़ने से मना किया था ना, मुझे लगा कि तुमने उसकी बात मान ली तो तुम यहाँ पर क्यों आई। जिस पर वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि ये तुम्हारे विलेज की दिक्कत है तो तुम इसे खुद सॉल्व करोगे। पर इस समय वरुण विलेज मेरे लिए भी काफी ज्यादा प्यारा है, मैं विलेज के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसमें अजीब क्या है। तो डोलन कहता है ठीक है और वो सेलिना से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगी। तो सेलिना कहती है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्रिस्टीना फील करती है मैं भी सेम फील करती हूँ, विलेज की प्रॉब्लम्स यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स। डोलन कहता है ठीक है और अब वो क्रिस्टीना से कहता है कि चलो हम लोगों को ये बता देंगे कि तुम उसी डायरेक्शन में जा रही थी जहाँ पर हम लोग जा रहे थे। उसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन उन डीमंस से लड़ रहा होता है। वही डोलन सोचता है कि सेलिना और क्रिस्टीना बिल्कुल एक जैसा ही फील करते हैं। तुम अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को पाते हो जिनकी तुम चिंता करते हो, ये जिंदगी का पार्ट है, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ, धीरे धीरे करके मैं भी अब एक इंसान बनने लगा हूँ। ऐसा बोलकर डोलन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसके बाद क्रिस्टीना के सामने एक और मॉन्स्टर आता है और वो काफी खतरनाक दिख रहा होता है। लेकिन उन लोगों के लड़ने से पहले ही सेलिना उस मॉन्स्टर के पास आकर उसे एक फ्रूट दे देती है और वो बंदर भी अब सेलिना और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को डराने के लिए माफ कर देना। वही ये देखकर क्रिस्टीना शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने कभी भी इतने फ्रेंडली मॉन्स्टर को नहीं देखा। वो अब डोलन से पूछने वाली होती है कि क्या सेलिना हमेशा से ही ऐसी है। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि डोलन के ऊपर भी छोटे छोटे बंदर चढ़े हुए होते हैं। ये देखकर वो उसे कहती है कि ये क्या चल रहा है। तो डोलन कहता है पता नहीं क्यों पर लगता है कि ये लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, पहले ये डर रहे थे पर अब नहीं। अगले सीन में सभी लोग अब एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। क्रिस्टीना डोलन और सेलिना से पूछती है कि क्या तुम लोगों को मॉन्स्टर्स से डर नहीं लगता। जिस पर सेलिना कहती है मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ तो मैं उनसे क्यों ही डरूंगी। जिस पर क्रिस्टीना कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी माफ करना। तभी सेलिना उसे कहती है कि अगर सभी लोग ही तुम्हारी तरह होते तो कितना अच्छा होता। डोलन भी कहता है हाँ सही कहा। ऐसा बोलने के बाद वो जैम की बोतल को खोल देता है। ये देखकर सेलिना कहती है कि क्या इस जैम को म्यू ने बनाया है। तो डोलन कहता है हाँ ये उसकी नई क्रिएशन है। तो सेलिना कहती है मुझे भी थोड़ा दो ना। तभी एक बच्चा क्रिस्टीना के पास कुछ मांगने लगता है। तो सेलिना क्रिस्टीना से कहती है कि इसे ये फल खिला कर देखो। तो वो भी मान जाती है और वो उसे फल को दे देती है और अब वो बच्चा उसे काफी आराम से खाने लगता है। फिर क्रिस्टीना उस बच्चे को काफी आराम से पैट भी करने लगती है और काफी खुश हो जाती है। सेलिना उन लोगों को बताती है कि ये सभी मॉन्स्टर्स भूखे थे, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला इसलिए किया होगा जिससे कि इन लोगों को खाना मिल सके। तो डोलन कहता है लगता है ये सभी लोग काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं पर इन लोगों को इनके फीडिंग ग्राउंड से ही भगा दिया गया है। थोड़ी देर पहले हम जिस स्पाइडर से लड़ रहे थे लगता है उसे भी कहीं से भगा दिया गया है।
फॉरेस्ट के अंदर ऐसे चेंजेस काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद डोलन क्रिस्टिना को ब्रेड के ऊपर एक चीज रख कर देता है। तभी क्रिस्टिना भी डोलन की बात सुनकर हाँ कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग इस फॉरेस्ट के चेंज को इग्नोर नहीं कर सकते। तभी वो उस ब्रेड को खाती है और कहती है ये तो कितना टेस्टी है। तो डोलन कहता है मेरी मॉम ने इन्हें बेक किया है और मेरे फादर ने मुझे इन मीट को बनाना सिखाया है, अच्छा लगा ना। जिस पर क्रिस्टिना कहती है हाँ अच्छा लगा, वैसे मॉन्स्टर अब मुझे और ज्यादा क्यूट लगने लगे हैं। ऐसा बोलकर वो ब्रेड खाने लगती है, जो देखकर सेलिना कहती है कि तुम कितनी क्यूट तरीके से खाना खाती हो। जिस पर डोलन भी हाँ कहता है कि क्रिस्टिना का चार्म काफी फैसिनेटिंग है। ये सुनकर क्रिस्टिना शर्मा जाती है और वो कहती है मुझे टीज करना बंद करो। फिर सेलिना क्रिस्टिना से कहती है क्या तुम मुझे अपने चार्म का सीक्रेट बता सकती हो, क्या पता इससे मेरी चार्म स्पेल बूस्ट हो जाए और हस्बैंड ढूंढने में वो मेरी मदद करे। तो क्रिस्टिना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं। सेलिना कहती है कि क्या तुम नहीं सीखना चाहती। तभी डोलन सेलिना से कहता है कि तुम्हें वो सीखने की जरूरत नहीं है, जैसी तुम हो वैसी ही तुम ठीक हो। ये सुनकर सेलिना खुश हो जाती है और मन में कहती है क्या मैं ऑलरेडी चार्मिंग हूँ, क्या डोलन मुझे अपनी वाइफ बनाएगा। वैसे कभी भी डोलन ने इंडिकेशन तो नहीं दिखाया है कि वो मुझे पसंद करता है, शायद से वो थोड़े शर्मीले है, आखिरी में रिस्पॉन्स कैसे करूँ। तभी अचानक से उन लोगों को कुछ फील होने लगता है और वो थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। तभी अचानक से एक बॉल जैसी चीज वहां पर आकर टकराती है एंड वो सभी लोग देखने लगते हैं कि ये क्या है। तभी उन लोगों को उसके अंदर एक फेरी दिखाई देती है, वो फेरी अब कह रही होती है कि भाग जाओ। तभी वहां पर अचानक से उन लोगों के सामने वापस से वही डीमन आ जाता है, जो देखकर डोलन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो डीमन थोड़ा सा साइड हो जाता है। डोलन अब सेलिना से कहता है कि इन बंदरों को यहाँ से दूर ले जाओ, तो उन मॉन्स्टर्स को वो दूर भेज देती है। जिसके बाद क्रिस्टिना और डोलन एक साथ काम करके उस डीमन को हरा देते हैं। पर अब वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के चारों तरफ से काफी सारे डीमन्स आने लगे हैं, जो देखकर सेलिना घबरा जाती है और वो सामने आ रही होती है। पर तब अचानक से उसके सामने एक डीमन आ जाता है, जो देखकर डोलन मैजिक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और सेलिना को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टिना भी उनसे लड़ रही होती है। तभी डोलन देखता है कि एक डीमन उसके ऊपर हमला करने आ रहा है, जो देखकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि एक डीमन उसके पीछे छुपा हुआ था और वो एकदम से डोलन के ऊपर हमला कर देता है। डोलन को पता चल जाता है कि वो एक साथ उन्हें रोक नहीं पाएगा एंड वो अपनी तलवार से नीचे वाले डीमन पर हमला कर देता है। और अब ऊपर वाला डीमन उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर डोलन को अब उसे अपने हाथों से ही रोकना पड़ता है। फिर वो अपने हाथ को ड्रैगन के हाथ में बदल देता है और अब अपने ड्रैगन के पावर का यूज करके उस डीमन को मार देता है, जिसके बाद वो दूसरे डीमन को भी मार देता है और कहता है कि मेरे ड्रैगन्स की पावर चीजों को काफी इजी कर देती है। तभी डोलन कहता है कि क्रिस्टिना ने भी एक डीमन को हरा दिया है और अब क्रिस्टिना का ध्यान नहीं होता है और एक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और वो जैसे ही क्रिस्टिना को मारने वाला होता है, तभी सेलिना अपनी पावर का यूज करके क्रिस्टिना को बचा लेती है और उसे बचाने के लिए वो सेलिना का शुक्रिया अदा करती है। तो सेलिना कहती है कोई बात नहीं। ये सुनकर डोलन सेलिना से कहता है तुम कितनी ज्यादा दयालु हो, इसीलिए तो तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग हो। ये सुनने के बाद सेलिना शर्मा जाती है और कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ। फिर अगले सीन में वो लोग उस फेरी से बात कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ कहती है कि वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, क्या तुम लोग इंसान और लामिया हो, जिस पर वो लोग हाँ कहते हैं और उसे अपना अपना नाम बताते हैं। फिर वो भी अपना नाम बताती है, उसका नाम मर्ल होता है। वो कहती है कि वो डीमंस अचानक से मेरा पीछा करने लगे, इसीलिए मैं भाग रही थी। डोलन कहता है कि शायद से इन डीमंस की वजह से ही फॉरेस्ट बदल रहा है। वो सोचता है कि इन डीमंस का नाम जेट्स था, इसका मतलब कि और भी पावरफुल डीमंस आ रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टिना मर्ल से कहती है कि क्या तुम हमें बता सकती हो कि क्या चल रहा है, हम इन्वेस्टिगेट करने आए हैं ये देखने के लिए कि फॉरेस्ट में क्या बदल रहा है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मर्ल कहती है हम लोग काफी मुसीबत में हैं, तुम्हारी मदद हमारे सही में काम आएगी। जो सुनकर सेलिना कहती है क्या तुमने कहा हमारी मदद। तभी अचानक से डोलन को कुछ सेंस होने लगता है और वो उन लोगों को बताता है कि हम लोगों को घेर लिया गया है, जिस पर क्रिस्टिना भी हाँ कहती है। ऐसा बोलकर वो अपनी तलवार बाहर निकालने वाली होती है, पर डोलन उसे रोक लेता है। डोलन सोचता है कि क्या हम पर डीमंस नजर रख रहे हैं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देता है और उसे देखकर क्रिस्टीना भी अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देती है। तभी वहाँ पर धीरे धीरे करके एल्फ्स बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर क्रिस्टीना कहती है, ये तो वुड एल्फ है। तभी अचानक से वही बंदा उन लोगों के सामने आता है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वो बंदा मर्ल से कहता है कि इन लोगों से दूर हो जाओ और यहाँ आ जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।